तो चलिए शुरू करते हैं वेजी छरे बनाना। तो मैंने लिए 250 ग्राम काले चने, इसको मैंने रात को पानी में भिगो के रख दिया था। दो प्याज लिए मीडियम साइज़ के, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। साबित मसाले में लिया एक तेज़पात का पत्ता, काली इलायची एक, 10 से 12 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 चम्मच साबित जीरा, 2 चम्मच मैंने लिए सूजी, जो हम घर में चम्मच का यूज़ करते हैं छोटा सा चम्मच, ये 2 चम्मच मैंने सूजी ली है। तो पहले हम काले चने को डालेंगे मिक्सी के जार में। अब इसमें डालेंगे हम साबित मसाले। तो पहले डाल लेते हैं तेजपात का पत्ता, काली इलायची हम खोल के डालेंगे ताकि इसमें कीड़ा ना हो, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और जीरा, आधा कप डालेंगे पानी और इसका हम एक बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। तो लीजिए पेस्ट बन गया, निकाल लेते हैं बाउल में। तो सारा पेस्ट हमने बाउल में निकाल लिया। अब डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच सूजी के, आधा चम्मच गरम मसाले का, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसमें तेल। तेल से छरे का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और सॉफ्ट भी लगेंगे खाने में, क्योंकि चनों में थोड़ा रूखापन होता है, इसलिए मैंने 1 चम्मच इसमें तेल का यूज़ किया है। अब इन सबको मिक्स करके और 10 मिनट के लिए इसको हम ढक के रखेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा नमी है चनों की, वो सूजी सोख ले। तो 10 मिनट हो गए हैं, खोल के देख लेते हैं। बैटर हमारा अच्छे से थिक हो गया है, हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। अब हथेली पे लगाएंगे तेल और हम इसके छोटे छोटे छर्रे बनाएंगे। छर्रे हमेशा छोटे छोटे ही होते हैं, बड़े नहीं होते। तो लीजिए सारे छर्रे भी हमने बना लिए। देखने में लग रहे हैं ना बढ़िया छोटे छोटे छर्रे। अब गैस पे रखेंगे हम कढ़ाई, डालेंगे कुकिंग ऑयल, मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है, आप कोई सा भी तेल इसमें डाल सकते हैं। फ्लेम फुल करके पहले अच्छे से हम सरसों के तेल को गर्म करेंगे, उसके बाद फ्लेम बंद करके हल्का सा इसे हम ठंडा करेंगे, उसके बाद छर्रे फ्राई करेंगे। तो लीजिए तेल भी हल्का सा ठंडा हो गया है, गैस की फ्लेम हम जला लेते हैं और फ्लेम करेंगे लो से मीडियम और छरे डाल के और फ्राई करेंगे। छरे हमें ब्राउन होने तक फ्राई करने हैं। तो सारे छरे मैंने डाल लिए। आप छरे इसमें तेल के हिसाब से डालें और छर्रों को चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। तो लीजिए फ्राई हो गए, निकाल लेते हैं प्लेट में और जो बचे हुए छर्रे हैं वो भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो लीजिए ये छरे भी फ्राई हो गए, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं और जो कढ़ाई में ज़्यादा तेल है उसको हम निकाल के और थोड़ा तेल छोड़ देंगे।
और डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में डालेंगे हम कटे हुए प्याज। प्याज हमें सारे नहीं डालने, थोड़े से छोड़ने हैं। साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और प्याज को हमें भून के ब्राउन करना है। नमक डालने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है। एक डाल लेते हैं हरी मिर्च, आप चाहें तो हरी मिर्च और लाल मिर्च बढ़ा सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। तो लीजिए प्याज भी ब्राउन हो गया। अब इसमें एक कप हम डालेंगे पानी का। तो पानी को थोड़ा उबलने देते हैं। तो पानी में उबाल आ गया, अब इसमें डालेंगे हम छर्रे। अब गैस की फ्लेम हम कम करेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। 10 मिनट में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 10 मिनट हो गए, देख लेते हैं छर्रे भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो हमने प्याज बचा के रखा था वो भी डालेंगे और हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम बंद करते हैं और छर्रों को सर्व करते हैं। तो लीजिए तैयार है वेजी छर्रे। Oh, 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 oh